हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी इंस्टेंट जलेबी। इंस्टेंट जलेबी से पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 3 टीस्पून दही, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैंने एक बाउल लिया है, अब मैं इसमें 1 कप मैदा, 3 टीस्पून दही, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक थिक बेटर बना लेंगे। ये अपना बेटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे अपने जलेबी का कलर बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स अपना बेटर एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक टोमेटो सॉस की बोतल ली है, अब मैं इसमें सारा बेटर इसी में डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही घी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब अपना घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह जलेबी निकालेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अपनी जलेबी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है पीछे से। अब हम इस जलेबी को सारा पलट देंगे इस तरह और फिर इसे भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब अपनी सारी जलेबी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और इसी तरह हम दूसरी बार भी गोल्डन ब्राउन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी जलेबी निकाल के रेडी कर ली है और मैंने चाशनी पहले से ही बना के रखी है। अगर आप मेरी वीडियो चाशनी की देखना चाहते हैं तो मैंने मालपुए रेसिपी में ये चाशनी पहले से ही बता रखी है, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें जलेबी को इस चाशनी के अंदर डाल दूंगी और इसे हम 60 सेकेंड तक इसे डिप करके रखेंगे इस तरह। अभी अपने 60 सेकेंड पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये सारी जलेबी निकाल लूंगी जिससे एक्स्ट्रा चाशनी इसके नीचे निकल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी जलेबी एकदम रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये कितनी अच्छी एकदम गोल्डन ब्राउन जलेबी अपने घर में कितनी आसानी से जलेबी निकली है, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलें।